नमस्कार। रूबरू कार्यक्रम में मैं ओम कसारा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ हैं भीलवाड़ा के जिला प्रमुख शक्ति सिंह जी हाड़ा। शक्ति सिंह जी की पहचान एक ऐसे युवा राजनेता की है जिन्होंने अपनी स्वच्छ एवं बेदाग छवि के सहारे जिला भाजपा में एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है जिसे प्राप्त करने के लिए कई निष्ठावान कार्यकर्ता भी अपनी पूरी उम्र गुजार देते हैं। 12 जनवरी 1986 को जन्मे शक्ति सिंह हाड़ा मूलतः बूंदी जिले के लांबा खोह ग्राम के निवासी हैं। इनके पिता का नाम मनोहर सिंह जी जबकि माता का नाम प्रकाश कंवर है। शक्ति सिंह आज की तारीख में तो भले और भोले इंसान हैं, लेकिन इसके ठीक उलट बचपन में ये बेहद शरारती थे। इनकी उद्दंडता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब शक्ति सिंह के परिजन इन्हें इनकी इच्छा के विरुद्ध हॉस्टल में छोड़ने के लिए बूंदी से अजमेर जा रहे थे, तभी ये तेज रफ्तार से दौड़ रही एम्बेसडर कार से कूद गए। वो तो गनीमत रही जो इनकी जान जाने से बच गई, किंतु सिर में गंभीर चोट लग जाने और पैर में फ्रैक्चर हो जाने से इन्हें कई महीने बिस्तर पर ही गुजारने पड़े। भीलवाड़ा के MLV कॉलेज से BCOM करने के बाद शक्ति सिंह अपना खनन व्यवसाय संभालने के साथ ही सामाजिक क्षेत्र में भी सक्रिय हो गए और क्षत्रिय यूथ ब्रिगेड एवं महाराणा कुंभा ट्रस्ट से जुड़कर समाज सेवा के कार्य भी करने लगे। वर्ष 2013 में जब कीर्ति बायसा ने मांडलगढ़ से चुनाव लड़ा, तब शक्ति सिंह ने भी उनके चुनाव प्रचार की बागडोर संभाली और वर्ष 2015 में जिला परिषद सदस्य चुने जाने के साथ ही ये भाजपा की राजनीति में पूर्ण रूपेण सक्रिय हो गए। उसी साल शक्ति सिंह को भारतीय जनता युवा मोर्चा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। क्रिकेट, बैडमिंटन व वॉलीबॉल खेलने और घुड़सवारी करने के शौकीन शक्ति सिंह के लिए वर्ष 2016 खासा भाग्यशाली साबित हुआ जब अनेक वरिष्ठ जिला परिषद सदस्य होते हुए भी इन्हें मात्र 30 वर्ष की उम्र में भीलवाड़ा का 10वां जिला प्रमुख बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आइए मुलाकात करते हैं शक्ति सिंह जी हाड़ा से। रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि भीलवाड़ा जिले के विकास में जिला परिषद के माध्यम से क्या क्या विकास कार्य हो रहे हैं। जिला परिषद के माध्यम से जिले के हर गांव को, हर पंचायत को हम जोड़ते हैं। उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की जो कमी है वो जिला परिषद के माध्यम से हम पूरी करने की चेष्टा करते हैं। जिला परिषद और सरकार के द्वारा अभी 2015 और 2016 में एक केंद्र सरकार के द्वारा अमेंडमेंट हुआ और उसके द्वारा DMFT एक संस्था बनाई गई। उसके अंतर्गत भीलवाड़ा को जो मिलने वाली राशि है वो लमसम 400 करोड़ के आसपास की राशि जो पर एनम हमको मिलती रहेगी खनिज रॉयल्टी के माध्यम से। हमने पूरे जिले के विकास के लिए अभी हमने एक बैठक हुई थी हमारी लास्ट, उस बैठक के अंदर हमने लगभग 350 करोड़ रुपये के प्रस्ताव पारित किए हैं। उन प्रस्तावों के माध्यम से मुझे नहीं लगता कि जिले की जो रोड्स की जो समस्या है, चाहे वो इरिगेशन से रिगार्डिंग की समस्या हो, एजुकेशन में हमने डिजिटल एजुकेशन को प्राथमिकता दी है, हर ब्लॉक स्तर पर हमने इंडोर स्टेडियम की व्यवस्था करी है और जिन स्कूलों में रमसा के तहत हमने उनसे डिमांड करी है, MLA साहबान जो हैं उनसे हमने मांग की है कि भाई आपके क्षेत्र में जिस विद्यालय में कक्षा कक्ष नहीं है या जिसमें खेल सामग्री नहीं है और टॉयलेट्स वगैरह नहीं है, इस तरीके से हमने उनसे पूरा एक विस्तृत रूप से पूरे जिले के विकास के लिए हमने उसमें भी व्यूहरचना तैयार की है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में 5-6 महीनों में सारा पैसा जब धरातल पर लगेगा तो एक नया भीलवाड़ा हमें देखने को मिलेगा। तो इन विकास कार्यों में जो जिला परिषद के सदस्य हैं उनका किस प्रकार से योगदान रहता है? देखिए सर, जैसे मैं जिला परिषद प्रमुख के नाते मेरा हर क्षेत्र में जाना नहीं हो पाता है, तो हमने हर जिला परिषद सदस्यों को हमने कह रखा है कि आपके क्षेत्र में जो कुछ भी आपको लगता है कि हमारे ये समस्या है, चाहे वो सड़क से रिगार्डिंग हो, चाहे बिजली से रिगार्डिंग हो, चाहे इरिगेशन से हो, शिक्षा से हो, चिकित्सा से हो, हमने सबसे कह रखा है कि आप अपने प्रस्ताव हमें भेजिए और हम DMFT के माध्यम से और जिला परिषद का जो फंड होता है SFC और TFC के माध्यम से हम उसको पूरा करने की चेष्टा करते हैं। जिला परिषद में कई वरिष्ठ जिला परिषद सदस्य होने के बावजूद भी जो संगठन था उसने आपको वरीयता देते हुए जिला प्रमुख बनाया, तो इसके क्या कारण रहे? देखिए सर, अब ये संगठन को क्या उचित लगता है और संगठन में हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस तरीके का निर्णय लिया होगा। जो मेरा पिछली बार जो हुआ था जब पीरचंद जी सिंह भी साहब बने थे
तो उसमें मैंने भी प्रयास किया था, और उसके बाद का जो कार्यकाल रहा या उसके बाद में जनता से जो मेरा जुड़ाव रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरी तरफ से मैंने जनता के साथ में हमेशा पॉजिटिव रहकर उनका समस्या का निर्धारण किया, तो मुझे लगता है कि इसी वजह से उन्होंने मेरा चुनाव किया होगा। तो कहीं ये जातिगत जो समीकरण था उसको बिठाने का मामला था, या दामोदर जी गुराल के प्रति आपकी जो निष्ठा है उसका आपको पारितोषिक मिला? सर, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जातिवाद पर आधारित पार्टी नहीं है, ये संगठन पर निहित पार्टी है, और संगठन और जो डिमांड जनता के प्रति जो जनता की तरफ से आती है, या संगठन जो सोचता है, जो विचार करता है, उसी के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। मेरे समय पर हम 10-15 उम्मीदवार थे, लेकिन जब पार्टी ने मेरा नाम तय किया तो उन्होंने सहर्ष बिना किसी भेदभाव के या बिना किसी विरोध के उन्होंने मेरा सहयोग किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी एक संगठन हित में है, और संगठन का जो निर्णय होता है वही सर्वोपरि होता है। आपको जब जिला प्रमुख बनाया गया तो भाजपा के कई नेता थे, उन्होंने दबू जमान में ये भी कहा कि ये रुपयों को लेन देन का मामला था, तो ऐसा क्या कुछ आपको लगता है, आपका क्या कहना है इस बारे में? सर देखिए, राजनीति के अंदर आपको कई तरीके की बातें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। कोई कयास लगाते हैं किसी तरह का, कोई किसी तरह के कयास लगाते हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि इस तरीके के इन बातों में कोई सच्चाई है। और जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, हो सकता है उन्हें मैं पसंद नहीं हूँ, या उन्हें भारतीय जनता पार्टी का निर्णय, संगठन का जो निर्णय, उन्हें पसंद नहीं हो, तो इस तरीके की बातें राजनीति में आती रहती। कुछ दिनों पूर्व जो जिला परिषद की बैठक हुई थी उसमें खनिज लीज की हिस्सा राशि को विकास मद में लेकर के, और आपने कोई कठोर बातें कही थी, और एक विधायक से आपकी झड़प भी हुई थी, तो ये सारा क्या मामला था? झड़प की बात तो नहीं है, मीटिंग चलती है तो वाद विवाद होते रहते हैं, बातचीत होती है, तो ऐसा कोई वो नहीं था। लेकिन जो DMFT के जो रूल्स हैं, उन रूल्स के मुताबिक जो पैसा है वो पैसा डायरेक्ट जहाँ खनिज प्रभावित क्षेत्र हैं, या इनडायरेक्ट वे में जो खनिज से प्रभावित हो रहे हैं, उन जगह वो पैसा लगना था। तो किसी बात को लेकर इस तरीके का हुआ था कि भाई हम वहाँ देना चाहते हैं, तो मैंने कहा भाई जो नियम और कायदे के हिसाब से है उसी हिसाब से हम पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इसमें ना कोई दबाव है ना कोई है, इस पर रूल हम मीटिंग जो है और जो पैसा है इस पर रूल हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इस तरीके की बात हुई थी। बाकी वाद विवाद वाली ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। मांडलगढ़ क्षेत्र जो है वो पानी के लिहाज से सरसब्ज है, और खनिज क्षेत्र होने के कारण से यहाँ पर रोजगार की भी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, फिर भी मांडलगढ़ क्षेत्र में ऐसा क्या है, ऐसी कुछ दिक्कतें अपने को लगती है जिन्हें दूर किया जाना आवश्यक है? अगर मैं कहूँ भौगोलिक स्थिति से, तो मांडलगढ़ को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। ऊपर माल वाला जो पार्ट है वो खनिज की प्रचुरता की वजह से वहाँ पर बहुत संभावना है व्यापार की, रोजगार की, सभी हर चीज़ की। और नीचे वाला जो एरिया है जिसको हम लाडपुरा या मांडलगढ़ जो है उसको हम एग्रीकल्चर बेल्ट मान सकते हैं, जैसे जोजवा है, जालिया है, या बिगोद, खटवाड़ा, इस तरीके का ये एरिया है, तो ये एक अपने आप में संतरे के बाग के रूप में विकसित हो रहा है। इस क्षेत्र में यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज यहाँ स्थापित हो जाए, और जो किसानों का जो मेन है संतरे के रूप के, जैसे बाजार के भाव कम हुए तो उसको स्टोर करके फिर जब भी भाव आए उस समय वो दे दें, तो एक तो हमारा ये पहला है। फिर उसके बाद में जिस तरीके से ऊपर माल की बात करें, जहाँ पर खनिज और माइनिंग का जो एरिया है, हमने रिको का डेवलपमेंट किया और उसका उद्घाटन भी हुआ, और वहाँ पर इंडस्ट्रीज भी लगना चालू हो गई है। मांडलगढ़ में हमारा रिको का प्लांट था, भाई रिको हम डेवलप करें यहाँ पर, और इस तरीके का है, तो ये सब अंडर प्रोसेस में चल रहे थे सारे कार्य। वैसा भी कीर्ति कुमारी जी हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन हमारा यही प्रयास है, जो भी हमारी टीम है, जो भी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो भी जन नेता है, प्रतिनिधि हैं, उनका सबका यही प्रयास है कि वैसा के जो काम रह गए हैं उनको हम पूर्ण करें। तो ऐसे जो आप बता रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज है या और कुछ भी बनाने का था, तो इसके अलावा और क्या क्या उनका सपना था कीर्ति भाईसा का, जिनको जो नया विधायक कोई भी जो बनता है वो उसे पूरे करने की आस रखे? देखिए सर, जो भाईसा ने चुनाव के दौरान जो उन्होंने वादे किए थे वो 80-90% तक वो पूरे कर चुके थे, चाहे वो रिको का हो, चाहे मांडलगढ़ में रिको हो या बिजोलिया में रिको हो। मांडलगढ़ वाला अंडर प्रोसेस चल रहा है, सरकार के पास में है,
और बिजोलिया उन्होंने काम पूरा करा चुके हैं। उसके बाद में उन्होंने जेतपुरा बांध का जो था काम, उस समय फ्लड जो स्थिति हुई थी उस समय, तब उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से सहायता मांगी और उन्होंने 21 करोड़ 23 करोड़ रुपए की सहायता हमें प्रदान भी की। एक बहुत बड़ी राशि है जिससे क्षेत्र के विकास के लिए और बांध के स्टोरेज के लिए हमारे को बहुत बड़ी आसानी हुई, और आने वाले समय में बताना चाहूँगा आपको कि उससे बहुत बड़ी किसानों को लाभ मिलेगा। फिर रहा ADJ कैंप कोर्ट मांडलगढ़ में खुलना, एक अपने आप में बहुत बड़ा काम था। हमारे यहाँ से मांडलगढ़ से शिवचरण माथुर साहब जो यहाँ पर CM रह चुके हैं, पूर्व विधायक साहब, उन्होंने सबने प्रयास किए लेकिन ADJ कैंप नहीं खुला, लेकिन भाई साहब ने अथक प्रयास करके और उन्होंने अभी रिसेंटली सरकार के द्वारा ADJ कैंप कोर्ट की घोषणा हुई, और जिससे यहाँ की जनता जो मांडलगढ़ की क्षेत्र की जनता थी उन्हें भिलवाड़ा आना पड़ता था, अब उन्हें भिलवाड़ा ना आकर उनका कैंप सप्ताह में 1 या 2 दिन मांडलगढ़ में लगेगा और उनकी जो न्याय प्रणाली जो है उनको न्याय जल्दी और सुलभ मिलेगा। इस वजह से ये जो काम ऐसा ने किया जिससे जनता को लाभ मिलेगा। मांडलगढ़ क्षेत्र की जो राजनीति है वो खनन माफियाओं के द्वारा भी प्रभावित होती है, इसे एक आम धारणा है। तो आप खनन व्यवसायी भी हैं और साथ ही साथ एक राजनेता भी हैं, तो इन दोनों भूमिकाओं का आप निर्वहन किस प्रकार से करते हैं? खनन माफिया जैसी स्थिति तो बिजोलिया में नहीं है, लेकिन कुछ एक आध हो सकते हैं कि इस तरीके की बातें हमारे सामने भी आती है और हमें देखने को भी मिलता है और सुनने को भी मिलता है। और माफिया अगर राजनीति को प्रभावित करे ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि भारतीय राजनीति में और विशेषकर राजस्थान की राजनीति में माफिया अगर राजनीति पर हावी हो ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं है और ना मैंने देखा है राजनीति में। तो आप जो खनन व्यवसायी के रूप में और जो भाजपा के एक राजनेता हैं, तो उस रूप में इन दोनों भूमिकाओं का निर्वहन कैसे करते हैं? मेरे व्यापार से संबंधित बात है तो मेरे छोटा भाई है, मेरे फादर हैं, वो सब बिजनेस को देखते हैं और वही देखते हैं। उससे जब मैं राजनीति में नहीं था उससे पहले मैं ये काम देखता था, फिर छोटा ब्रदर MBA करके पुणे से आया फिर वो देखने लग गया, तो मुझे परिवार की तरफ से बिजनेस को देखने के लिए मुझे टाइम नहीं देना पड़ता, मैं बिजनेस की तरफ से फ्री हूँ। और मेरे फादर और मदर और सब भाई मैं उन्होंने कह रखा है कि आप जनता की सेवा करिए। मांडलगढ़ क्षेत्र के अंदर जो उपचुनाव होना है उसमें संभावित प्रत्याशियों में आप भी हैं, तो आपने संगठन के समक्ष स्वयं को किस रूप में प्रस्तुत किया है जिससे कि वो आपको टिकट दे सकें? सर एक बात तो मैं आपको बताऊं कि मैंने संगठन को कभी भी मैंने ये नहीं कहा कि आप मुझे चुनाव के लिए मैं प्रत्याशी हूँ या मैं उम्मीदवार हूँ। संगठन का जो निर्णय है और भारतीय जनता पार्टी का, मुझे पूरा विश्वास है संगठन के ऊपर, वो जिस भी उम्मीदवार का चयन करेगी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छा उम्मीदवार होगा। और हमें जो लगता है कि हमें तो सिर्फ कमल का निशान दिखता है, कौन प्रतिनिधि आ रहा है, किस जाति का आ रहा है, किस समाज से आ रहा है, इसे हम नहीं मानते कि वो भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा व्यक्ति सोचता है इस बारे में। अभी जो अशोक परनामी आए थे, तो अशोक परनामी के समक्ष दावेदारी आपने भी करी थी, तो कहीं ना कहीं तो आप चाह रहे हैं कि आप चुनाव लड़ें? सर मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको, आप और हम समाचार पत्रों के माध्यम से ये सोच रहे हैं कि दावेदारी प्रस्तुत की, लेकिन अगर प्रैक्टिकल अगर हम वहाँ मीटिंग की बात करें तो इस तरीके का मुझे नहीं लगता किसी ने भी वहाँ पर दावेदारी पेश की हो। एक संगठनात्मक बैठक थी उपचुनाव से रिलेटेड, उसमें संगठन के लिए जो भी बूथ स्तर तक की जो हमने समितियाँ बनाई हैं उन सब के बारे में निर्णय किया गया था, और संगठन मजबूत बने इस हेतु परनामी साहब पधारे थे, और दावेदारी वाली ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, किसी ने भी दावेदारी प्रस्तुत नहीं की। तो आप के बारे में चाहे समाचार पत्रों के माध्यम से चीज़ें आ रही हो या फिर क्षेत्र में चर्चाएं चल रही हो कि आप विधायक भी बनना चाहते हैं, विधायक का भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो जिला प्रमुख रहते हुए विधायक बनने का क्या औचित्य है? मैंने कभी ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं की है और ना मैं ये चीज़ करूँगा। मेरे पास में जिला परिषद का दायित्व है, मैं उससे संतुष्ट हूँ, और जो पार्टी जो निर्णय करेगी, भारतीय जनता पार्टी जो संगठन जो निर्णय करेगा, हम सब उसके निर्णय के अनुसार काम करेंगे। तो आप अभी अगर मान लीजिए पार्टी आपको दायित्व देती है चुनाव लड़ने के लिए और प्रत्याशी बनाती है, तो जिला प्रमुख रहते हुए आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे?
सर ये तो भविष्य की बात हो गई है कि पार्टी सोचती है कि नहीं सोचती है, लेकिन हमारा जो भी उम्मीदवार होगा हम जिला परिषद के माध्यम से और पूर्व विधायक साहब ने जो हमारे बीच में काम किए हैं, विकास के जो काम किए हैं जो पूर्व सीएम द्वारा भी नहीं किए गए थे, ऐसे काम अनेक काम हैं जिसको हम जनता के बीच में ले जाएंगे और उन कामों के बदौलत हम ये चुनाव लड़ेंगे। तो वहाँ पर क्या मुद्दे अभी रहने की आपको संभावना लगती है? देखिए कांग्रेस के पास तो कोई मुद्दा नहीं है, चाहे वो राज्य सरकार से रिलेटेड हो या केंद्र सरकार से रिलेटेड हो। कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, आदमी आम जनता उनसे परेशान हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो काम करती है, जनता की गरीबों के हित के लिए काम करती है। हमने आपको कहा कि भाईसा कीर्ति कुमारी जी के द्वारा जो प्रयास किए गए, आम जनता को देख के काम किए गए और जनता को उससे लाभ मिले ऐसे काम किए गए, तो हमारा तो मुख्य आधार ही यही है कि हमने चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो चाहे व्यापार का क्षेत्र हो किसी भी क्षेत्र में हम माने, चाहे इरिगेशन हो किसी भी क्षेत्र हो, भारतीय जनता पार्टी ने अपना सर्वोच्च देकर इस जनता के प्रति अपने दायित्व को निभाया है और आगे भी निभाएगी। मंडलगढ़ में अब तक जो 15 चुनाव हुए हैं उसमें 5 बार जो सिर्फ स्थानीय विधायक चुने गए, तो आपके लिहाज से वहाँ पर स्थानीय और बाहरी का मुद्दा वो कितना आगे रहना चाहिए? देखिए ये डिसीजन जनता को करना है, वो किस उम्मीदवार को पसंद करती है और किसको नहीं पसंद करती है। शिवचरण माथुर साहब बाहरी नेता थे, सीएम थे, जनता ने उनको पसंद किया और उनको 7 बार एमएलए बनाकर, जिसमें वो 2 बार सीएम भी रहे यहाँ से, उन्होंने पसंद किया। अब आने वाले चुनाव में जनता क्या पसंद करती है, जनता का क्या रुख है, ये जनता डिसाइड करेगी, इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं कह सकता हूँ। भीलवाड़ा वासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भीलवाड़ा वासियों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि हमारे भीलवाड़ा ज़िला, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, हर चीज़ में अपने आप में साधन संपन्न है। हमें अपने विचारों को, अपने आप के व्यक्तित्व को, जनता के प्रत्येक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, एक ऊपर उठकर राष्ट्र के हित में जितना भी हो सके समर्पण करना चाहिए, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो क्षेत्र का विकास हो, स्वच्छता से रिगार्डिंग हो, कोई भी ऐसे काम हो, हमें अपने देश के प्रति और देश को देखना चाहिए। और मैं तो जनता से अपील करना चाहूँगा कि ये जो आने वाला जो समय है, मैं देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में कहना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी के बारे में कहना चाहूँगा, जो माहौल अभी जो देश का माहौल विश्व के अन्य देशों के प्रति, हमारे देश के प्रति जो बना है, उस माहौल को हमें आगे ले जाना होगा और हमें अपना खोया हुआ स्वाभिमान, हमारा खोया हुआ सम्मान हमें वापस लाना होगा। भीलवाड़ा हलचल के लिए आपने जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे जिला प्रमुख शक्ति सिंह जिहाड़ा, जिन्होंने हमारे प्रत्येक सवाल का जवाब अपने विनम्र स्वभाव के अनुसार बहुत ही सरलता व सज्जनता से दिया। इनसे बातचीत करके ऐसा लगा कि राजनीति की कुटिल पैंतरेबाजियों से अभी ये कोसों दूर है और सच्चे मायने में आम जन की सेवा करना चाहते हैं। संयोग से जिला प्रमुख जैसा महत्वपूर्ण पद भी इनके पास ही है, ऐसे में अब देखना यह है कि अपने कार्यकाल का सदुपयोग ये कैसे करते हैं। कैमरा पर्सन नारायण वैष्णव के साथ मैं ओम कसारा, भीलवाड़ा हलचल के लिए।